कैसे निकलेंगे तो चीज आएगी, ऐसे कैसे चीज आ जाएगी। तो आओ जनाब, अब मूसा भाई की आपको मैं सुनाता हूँ प्यारी सी आवाज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। और अभी मैं फिलहाल अपनी क्वैक क्वैक का पानी भर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको नाश्ता देना है। बाकी सब परिंदों को मैंने नाश्ता दे दिया है, उसकी बारी आ गई है, तो वो कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे यार आपने अपनी बतख का नाम क्या रखा है यार, तो यार उसका नाम क्वैक क्वैक है। और क्वैक क्वैक क्यों रखा है, क्योंकि वो अभी चूं चूं कर रही है, लेकिन आगे जाके क्वैक क्वैक करेगी। अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए बातें करती है मेरे साथ। क्वैक क्वैक, ठीक हो? वो कह रही मैं ठीक हूँ। क्वैक 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 क्वैक, क्या कर रही हो? वो अब मैं उससे पूछा कि क्या कर रही है, वो कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्वैक 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 क्वैक। मूसा भाई, अबे यार मैं क्वैक क्वैक कर रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये इम्पोर्टेंट है। क्या? इसके तारे नहीं है दो, पहली और तीसरी। तो लेने चलो अभी। अभी यार धूप देखी तूने? कोई मसला नहीं है, धूप में जाएंगे गिटारों की तारे लेने। हाँ जी, फिर इनके लिए गाना भी तो गाना है ना। ओ तो तुम कह रहे हो मैं उनके लिए गाने गाऊं? मुर्गियों वाला कुकड़ियों वाला गाने गए हैं। तो मुझे आवाज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी है, आपके गाने नहीं गा सकते? मैं गा सकता हूँ, लेकिन यार क्वैक क्वैक को तो खाने दें दो। आप इनको फीड दो सारों को। हाँ। और फिर ये गिटार सही करना है। चलो ठीक है, तारें दिलवाओ। हाँ। उसके बाद पहले उधर घर जाना है, क्योंकि कल के दो तीन कमेंट में ये आ रहा था कि भाई आपका वो पैरिट जो आपने पकड़ा था वो है किधर? हाँ। बेच तो नहीं दिया ये? नहीं, वो हमने बेचा तो नहीं, वो पड़ा हुआ है उधर घर है, वो भी एक दफा दिखाते हैं। उसके बाद गिटार की तारें सही करवानी है और बस बस बस। चलो फिर मैं क्वैक क्वैक शुरू कर लूं। कर लो, शुरू नहीं करो। हाँ। दाना दो यार, मैं उससे बातें कर रहा था। चलो यार हम बातें नहीं करते, हम क्वैक क्वैक को ना खाना देते हैं। हालांकि मैं इससे बातें करता हूँ, मैं क्वैक क्वैक करता हूँ। क्वैक 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 क्वैक। वो कह रही मुझे भूख लग रही है। ओके ओके, अब इसको ना भूख खाना देते हैं। तो मैंने यार इसके ये जो है ना धनिया पुदीना साफ करके रखा हुआ है, और तोड़ के रखा हुआ, साफ करके रखा हुआ, तो ये जल्दी जल्दी हम इसको देते हैं। अभी देखना खुद ही बाहर आएगी। क्वैक क्वैक आ जाओ, कह रही मैं आ रही हूँ। चूज नहीं, तुम भी आ जाओ। ओह हेलो हेलो हेलो, पानी पीना तुमने पहले? मम्मा पीना है। चलो इसको ना मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये डाल देता हूँ, ये ले जी, ये भी खाओ। अच्छा जाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसका साइज़ देख रहे हो? जब ये आया था ये चूजली से छोटी थी, और अब देखो यार अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी हो गई है यार, ये कितनी बड़ी हो गई है। मुझे लगता है इसने फुल ना डंगर बन जाना है अनकरीब। चूजली बेचारा छोटा सा रह गया, अभी बेचारा मस्तियाँ कर रहा, बाद में ये बाद में ना मुझे लगता है क्वैक क्वैक हमारी ना इसको कुटेगी। तो खैर अब मैं क्या करता हूँ यार, ये खाना छाना खा रही है, पानी छानी इसने पी लिया, आप देख लो वो जो धनिया पुदीना ना वो खा रही है। तो इसको उठाते हैं, इसको ना अंदर रख देते हैं, और फिर हम निकलते हैं गिटार की स्ट्रिंग लेने, और आपको मैंने तोता भी दिखाना। आ जाओ क्वैक क्वैक लें जी गाइस। इसको मैंने बंद कर दिया, और ये देखो खा पी रहे हैं यार। इनका पिंजरा बहुत गंदा हो गया, और मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या होता है इसके पिंजरे के गंदे होने का, ये सारा का सारा पानी नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठ जाती है। तो ये हालांकि मैंने ये दो तीन चार दिन पहले साफ़ किया था, अब फिर इन्होंने पलीद कर मारा सारा का सारा, तो मैं इसको दोबारा साफ़ करूँगा। चले गाइस निकलते हैं। अब ये हम घर आ गए थे, और ये देखें आप लोग जो कह रहे थे ना आपने अपना तोता बेच दिया, वो किधर है कहाँ गया, तो ये बैठा है जनाब वो तोता। मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ, ये देखो ये बैठा है वो फिशर। और ये जो आप साथ देख रहे हो ना, ये मैंने दो से तीन दिन पहले पकड़ा है। इसके पीछे कव्वे लगे हुए थे तो इसको मार रहे थे, ये आया बार गिरा रोड पे, मैं पकड़ लिया। मैं कह इसको अपने पास रखते हैं, मज़ीद एक दो दिनों तक ना इसकी ये इसकी इसकी फीमेल भी लेके आते हैं, क्योंकि ये मेल है। उम्मीद है यार अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने इसको नहीं बेचा, इतना प्यारा, बेचने का दिल भी नहीं करता इसको। अब चलते हैं जाके गिटार की तारें लेके आते हैं। ये हम आ गए हैं एक जगह पे, और इधर ये इस्तेमाल होगा, ये पता किस काम आता है? इस काम, पैसे निकलेंगे तो चीज आएगी, ऐसे कैसे चीज आ जाएगी। मूसा भाई बिस्मिल्लाह करो और पैसे निकालो जल्दी से। पैसे आ गए हैं, बस अब चलते हैं, ज्यादा नहीं निकलवाए, 1000 रुपए निकलवाए बस, क्योंकि तार आनी इतने तक की है, 3-4। चलो अब चलते हैं जाके गिटार की तारे लेके आते हैं। चलो हम लोगों के घर के बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा दूर एक गिटार की दुकान थी, जिधर से हमारे कोई गिटार की तार टूट जाती थी हम वहां से ले लेते थे। मगर हम वहाँ गए हैं पैसे निकलवा के, उसकी दुकान पे गए हैं, उसकी दुकान पर थी। हमने उस भाई को फोन किया, कहता भाई मुझे तो 2 महीने हो गए अपनी दुकान खत्म किए हुए, अब हमें गिटार की तार लेने के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है ना। एक तो गर्मी ज्यादा है, सूरज किधर गया है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मिल गया सूरज। अब इतनी गर्मी के अंदर हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है ना गिटार की तार लेने।
चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आई लव यू टू मुल्तान। ये आ गए हम शॉप पे जिसका नाम है टॉयज मॉल। अब चलते हैं इसके अंदर और जाके ना गिटार के तारे वगैरह लेके आते हैं। ये हमारी बाइक में भी पेट्रोल खत्म हो गया था तो ये इसके अंदर बस पेट्रोल फुल करवाएं। और ये हमने गिटार के तारे ले ली थी टॉयज मॉल से, मैं दिखाता हूँ एक मिनट। वो रही, अगर नजर आ रही हो तो ये रही। अब घर जाते हैं और इसको अपने गिटार के अंदर ना फिट करते हैं अच्छी तरह, उसके बाद आपको एक मूसा भाई प्यारा सा गाना सुनाएंगे। ये हम आ गए थे घर और ये हमारी साशु बैठी हुई थी पखे के आगे, हमने पखा बंद कर दिया, बड़ी मस्तियां कर ली हैं इसने। मूसा भाई निकाल लो इसको बाहर। सेट क्यों लिया आपने जब आपकी ये तीन, ये पूरी तो थी, ये चार वो महंगी दे रहा था, बदतमीज इंसान, बहुत महंगी दे रहा था। उसने कहा वो ये तो गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड है। 24 कैरेट यार, हमें वहां पे ना हम लेने 2-3 गए थे, मगर इसके ना ये देखो ये बहुत तेरे ते पैसा लाया फोकस कार। ये देखो ये मीडियम है, मगर हमारा ये गिटार है ना जो, ये बड़ा गिटार है यार। आज ये फोकस नहीं करन दिया, अल्लाह खैर करे, इन गर्मी का झटका लग गया लगता है। अच्छा गाइस को बताना है कि यार गिटार के अंदर क्या सीन होता है। अच्छा यार इसकी 6 स्ट्रिंग्स होती है, 6 तारें डलती हैं इसमें, ठीक है। और ये नट होता है इसका, ठीक है, तो इसको ऐसे निकालना पड़ता है और इसके अंदर डालनी पड़ती है स्ट्रिंग। तो ये 6 स्ट्रिंग है, 6 इसकी होती है, 6 स्ट्रिंग होती है। देखो इन सबके ऊपर नंबरिंग लिखी होगी, चलो दिखाओ जरा। देखो 1 2 ये 2 वाली ये है, मगर ये हमारी डली हुई है। और गिनती गिनती नीचे से होती है, नीचे से पतली स्ट्रिंग से मोटी स्ट्रिंग तक होता है, 1 2 3 4 5 6 EADGBE। फिर आपको दिखाते हैं, टाइम लग सी ना यार। ये निकल क्यों नहीं रहा भाईजान, इससे होता है, इससे क्या है, कीपो केपो केपो कीपो यार, ऐसे डालेंगे और ये देख आराम से निकल रहा है। ठीक है, ये काम अच्छा है। ले जी गाइस, ये तार हमने डाल दी है, इसके अंदर ऐसे डाल देंगे इसको और इसको प्रेस कर देंगे, फिर थोड़ा सा खींचेंगे इसको। मैं अब दूर हो जाऊं, ये मुंह पे लगती है और बहुत गंदी लगती है। इसके बाद आपने क्या करना है, तार को पहले इसको सीधा करें और ना यार, बड़े बर्ड्स वाले आपने चैनल फॉलो किए होंगे, कोई भी चैनल आपको ये वाली चीजें नहीं बताएगा जो मैं बताता हूँ, इसलिए लाइक और फॉलो तो बनता है। अच्छा इसको ऐसे पकड़ना है और उसके बाद इसको इस तरफ को मोड़ना शुरू कर दें। दुआ करो ये हो जाए, टूट ना जाए, बस चढ़ गई है, चढ़ गई, टूट आवाज आई है, ये तो मुझे लग रहा है टूटने लगी है। नहीं टूटती तो नहीं, खैर लगी लगी। अब जरा दूसरी स्ट्रिंग लगाते हैं, कौन सी वाली खोली थी शादर, वो ये रही, ये है भाईजान थर्ड स्ट्रिंग है, ये थोड़ी मोटी होती है उससे, तो ये अगर टूट भी जाए तो आपकी आंख का नुकसान नहीं होगा, इस वाली से आंख का नुकसान हो सकता है। इसको डाल, इसको आंख से प्यार है, आंख में लगेगी, बस आंख में लगती है। इसको भी ऐसे करते हैं और इस वाले के अंदर पहले इसको, ये सीधा ही है, इसके अंदर डाल के थोड़ा खींचेंगे और फिर इसको इस तरफ को करेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे और नहीं जी ये होगी। नहीं जी ये भी टाइट होगी। अब जो हमने काम करना है, मेरा दूसरा वाला मेरा गरीबों वाला मोबाइल गुम हो गया। अब है जान, अब ये फोन है मेरा और इस फोन के अंदर एक गिटार ट्यूनर है, तो इस ट्यूनर के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से हम गिटार को ट्यून करेंगे। ओके ठीक है, ये देखे ये गिटार ट्यूनर आ गया, इसकी मदद से मैं क्या करूंगा गिटार को ट्यून करूंगा। ठीक है ओके करो। ये काटोगे इसके बाद, ये जो इसकी डंडी है इसको बाद में काट दूंगा ना, तो अभी जरा ये देखो इधर लाके ना दिखाओ व्यूअर्स को जरा, पहले हम इस तार के ऊपर करेंगे, ये देखो तार नजर आ रहा है, ठीक है आवाज आ रही है, अभी देखो टाइट हुई है बहुत ज्यादा, ये शाजिल के काम है पकड़ के, पता नहीं ये पंगे लेता रहता है इसके साथ, मुफ्त की उसको टाइट कर दिया इतना ज्यादा। अब ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है और ट्यून्ड।
ये इस तरह करना आपने सारी तारों को, ठीक है? ओके, पहले आप कर लो, उसके बाद शुरू करते हैं। गाइस, तार को ना हमेशा वार्म किया करो, क्योंकि ये जो मेटल होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो तार को इस तरह रगड़ के ना थोड़ा वार्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, ताकि टेंशन थोड़ी रिलीज हो जाए। इसको भी टेंशन होती है? टेंशन होती है भाई। ओके, आप देख रहे हो, इधर देखो कैसे जा रही हो, ये नई वाली तार है। करो करो, जा रही है। टूट रहा जाए, टूट रहा जाए। मैं पीछे हो रहा हूँ। पासा पासा पासा, ये देख, थोड़ा सी रह गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। ओके, ओ यस, अब बैठ सकते हैं हम। यार ये हमारा गिटार अब फुल ट्यून हो गया, और मूसा भाई थोड़ी सी बीट सुनाते हैं आपको। मूसा भाई आपने ये तो सुना दिया है, अब एक जरा कोई प्यारा सा गाना सुना अपने भाइयों के लिए। तो आओ जनाब, अब मूसा भाई की आपको मैं सुनाता हूँ प्यारी सी आवाज। गाना गले तुम साफ कर रहे हो है? तो भाई सही है ना। ओके यार, बीच में से शुरू करूंगा, तो बेयर विद मी। Moving too fast, moon is lighting off her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regret, it's all that she really wants. Jab tum na ho, rahenge hum nahi. Jab tum na ho. चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। देख रहे हो मूसा भाई की आवाज कैसी आवाजें निकालते हैं ये। दिखाते नहीं है अपने टैलेंट, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है टैलेंट। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज्यादा अच्छा लग गया तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।